Welcome back, friends. Welcome you all in the new session of tutorial live. So as you know, this is the fourth session of software development life cycle. We have already discussed waterfall model, V-shaped model, prototype model, and today's topic is spiral model. जैसे आप लोगों ने समझा कि हम लोगों ने तीन मॉडल ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और हम लोग आज चौथा मॉडल डिस्कस करने जा रहे हैं स्पाइरल मॉडल. स्पाइरल मॉडल प्रोटोटाइप मॉडल का नेक्स्ट वर्जन है, द नेक्स्ट वर्जन ऑफ प्रोटोटाइप मॉडल. सो हम लोग यहां पर देखेंगे कि हम लोग उस प्रोटोटाइप मॉडल के कुछ फेजेस को हम लोग यूज कर रहे हैं. प्रोटोटाइप मॉडल का डिसएडवांटेज क्या था कि हमें हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन टाइम है वो बहुत दिनों के बाद आता है. हम पहले प्रोटोटाइप बनाने में ही बिजी रहते हैं. जब तक वो प्रोटोटाइप पूरी तरीके से अप्रूव नहीं हो जाता, जब तक क्लाइंट नहीं कह देता है कि हाँ ये प्रोटोटाइप सही है, ये वही सॉल्यूशन है जो हमें चाहिए, तब तक हम एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन फेज में नहीं जा पाते हैं. तो इसके वजह से जो टाइम स्पैन होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का वो बहुत बड़ा हो जाता है. इस चीज को ओवरकम करने के लिए हम कुछ फीचर प्रोटोटाइप मॉडल के इस स्पाइरल मॉडल में रख रहे हैं और उसके बाद एक नया मॉडल डिजाइन किया जिसे नाम रख दिया गया स्पाइरल मॉडल. अब स्पाइरल मॉडल हम लोग यूज कब करेंगे? प्रोटोटाइप मॉडल में क्या था, हम प्रोटोटाइप बनाते थे उसके बाद डिलीवर करते थे. प्रोटोटाइप कस्टमर को दिखाते थे, कस्टमर इवेल्यूएट करता था, प्रोटोटाइप को इवेल्यूएट करता था, देन उसके बाद वो अप्रूव करता था कि हाँ प्रोटोटाइप सही है, देन हम इम्प्लीमेंटेशन शुरू करते थे. इस मॉडल में हम क्या करेंगे, हम टाइम टू टाइम प्रोटोटाइप कस्टमर के साथ एवेल्युएट करते जाएंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम कोडिंग भी करते चले जाएंगे. अब सबसे बड़ी बात, स्पाइरल मॉडल हम यूज कब करेंगे? स्पाइरल मॉडल यूज करने का सबसे अच्छा वे है जब प्रोजेक्ट बहुत लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट हो. जिस जो प्रोजेक्ट ईयर, टू ईयर, थ्री ईयर, फोर ईयर, फाइव ईयर ऐसा जा सकता है, वैसे प्रोजेक्ट के लिए स्पाइरल मॉडल यूज करना बहुत बेनिफिशियल होता है. लेकिन अगर कोई प्रोजेक्ट शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट है जो 2 महीने 4 महीने 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, उस केस में स्पाइरल मॉडल बहुत ज्यादा कॉस्टली हो सकता है, या उस उन सारे केसेस में हमें स्पाइरल मॉडल यूज ही नहीं करना चाहिए. हम कोई दूसरा मॉडल यूज करके हम उस प्रोजेक्ट को डेवलप कर सकते हैं, उस सॉफ्टवेयर को बना सकते हैं. सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का जो एक्टिविटी था उसे हम प्रोजेक्ट डेवलप करने का करते हैं, प्रोजेक्ट बनाने का एक्टिविटी करते हैं. तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर कोई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट हो, लॉन्ग टर्म टाइम के में हमें कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना हो तो ही हम स्पाइरल मॉडल यूज करेंगे. एल्स हम किसी और, अगर हमारा कोई शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट है, शॉर्ट टर्म में हमें कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो हम कोई और मॉडल यूज करेंगे. चलिए देखते हैं कि स्पाइरल मॉडल है क्या. स्पाइरल मॉडल में हम लोगों ने बाकी सारे मॉडल जो अब तक पढ़ लिए हैं, जो हम लोग देख लिए हैं, उन सारे मॉडल्स में 6 फेजेस होते थे, लेकिन स्पाइरल मॉडल में सिर्फ 4 फेज होता है. पहला फेज होता है स्कोप डिटरमाइन करना, सेकेंड फेज होता है रिस्क एनालिसिस, थर्ड होता है डेवलपमेंट एंड टेस्ट, और फोर्थ होता है फिर से प्लानिंग. तो एक एक करके इन सबको समझते हैं, फिर ये जो डायग्राम मैंने बनाया रखा है, ये डायग्राम को मैं सबसे लास्ट ट्यूटोरियल के लास्ट में फिर से एक स्नैपशॉट ऐड कर दूंगा, आप वहां से इसे कैप्चर कर लेना. पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इस बारे में मॉडल एक्चुअली होता क्या है. डिटरमाइनिंग द स्कोप. डिटरमाइनिंग द स्कोप में हम क्या करते हैं, हमने पिछले वाले में क्या देखा था, हम प्रोटोटाइप बनाकर क्लाइंट को डिलीवर करते थे, बिजनेस को डिलीवर करते थे. तो हम इसमें क्या करते हैं, हम स्कोप डिफाइन करते हैं, हम कस्टमर से उसकी नीड समझते हैं, फिर एक पार्टिकुलर टाइम लिमिट लिए. मैंने कहा एक बड़े, जब कोई प्रोजेक्ट बहुत बड़े टाइम में हमें डेवलप करना है उस समय हम स्पाइरल मॉडल का यूज करते हैं. तो हम उसको छोटे छोटे इटरेशंस में डिवाइड करेंगे. सबसे पहले क्लाइंट ने हमें पूरा रिक्वायरमेंट दिया, उसमें से एक पार्टिकुलर पार्ट को हमने रिक्वायरमेंट समझा पहले इटरेशन के लिए. अब देखो इसमें ये पूरा ऐसे 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 राउंड घूम रहा है. अब देखो मैंने यहां से ऐसा स्टार्ट किया है, फिर घूमा, फिर घूमा, फिर घूमा घूमा, ये इटरेशन में जा रहा है. स्पाइरल मॉडल नाम ही स्पाइरल मॉडल है, मतलब इटरेशन में काम करेंगे. हमने क्या किया, रिक्वायरमेंट को पार्ट बाई पार्ट डिवाइड कर लिया. सबसे पहले पार्ट के लिए या सबसे पहले इटरेशन के लिए हमने एक स्कोप डिफाइन किया कि हम इतना सा इसको, सपोज हमें 12 पेजेस डेवलप करना है, उसमें से पहले इटरेशन के लिए हम लोगों ने 3 पेजेस को यूज किया कि हाँ पहले इटरेशन हम 3 पेज पहले कंप्लीट करेंगे. उसमें क्या था, आप फिर से रिमाइंड कीजिए कि हम लोगों का जो प्रोटोटाइप मॉडल था उसमें हम प्रोटोटाइप बनाते थे, क्लाइंट को डिलीवर करते थे, तो कंफ्यूजन हो सकता था क्लाइंट के साथ, बिजनेस के साथ, कि हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट ऑलरेडी रेडी हो चुका है. वो कंफ्यूजन भी यहाँ कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि हम प्रोटोटाइप की जगह पे हम एक पार्ट डिलीवर कर रहे हैं बिजनेस को, एक पार्ट डिलीवर कर रहे हैं क्लाइंट को. ठीक है, तो क्या हो रहा है,
सबसे पहले हमने स्कोप को आइडेंटिफाई किया कि हमारा इस पर्टिकुलर इटरेशन में एक इटरेशन में हम लोगों से चार इटरेशन में पूरा प्रोजेक्ट हमें कंप्लीट करना है या 40 इटरेशन में हमें प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। तो पहले इटरेशन में हमारा स्कोप क्या होगा वो स्कोप यहाँ पर हम डिफाइन कर लेते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं, हमारे पास रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होता है, सारा कुछ होता है, हम उसमें से पर्टिकुलर पार्ट कि हाँ आपको पहली बार इतना सा पार्ट डिलीवर करना है, हमने उसके लिए रिक्वायरमेंट प्लान किया, हाँ ये रिक्वायरमेंट है प्लान कर लिया। प्लान करने के बाद जो रिक्वायरमेंट है हम लोगों ने समझा कॉन्सेप्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑपरेशन, हम लोगों ने समझा कि हमें क्या क्या ऑपरेशन करना है। ये दोनों करने के बाद हमने एक इटरेशन यहाँ पे प्रोटोटाइप वन हम लोगों ने पहला पार्ट मतलब वो सपोज 12 पेजेस थे, मैंने बोला मैं चार इटरेशन में कंप्लीट करूंगा, तीन पेज हम लोगों ने डेवलप किए, वो तीन पेज डेवलप करके हमने बिजनेस को दिया किस काम के लिए कि ठीक है आप उसको देखो, तो वो रिक्वायरमेंट वहां पे क्लियर हो गया। वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मतलब इस फेज में जो पहला प्रोटोटाइप वो तीन पेज मैंने दिए थे वो तीन पेजेस क्लाइंट ने बिजनेस ने हमारे कस्टमर ने उसको वेरीफाई किया वैलिडेट किया, टेस्टिंग भी इसी फेज में हम लोगों ने यहाँ मैंने लिखा डेवलपमेंट टेस्ट, इस वाले फेज में हम लोगों ने डेवलपमेंट किया, हमारी टेस्टिंग हुई, यूनिट टेस्टिंग हुई, SIT हुई, UAT हुई, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग हुई, व्हाइट बॉक्स, जितने भी टाइप के टेस्टिंग होते हैं वो सारे हम लोगों ने इस फेज में किए। डेवलपमेंट प्लान हो गया, डिप्लॉयमेंट हो गया, डिप्लॉयमेंट होने के बाद डेवलपमेंट प्लान हो गया, हम लोगों ने उसका प्रोटोटाइप डिलीवर किया कस्टमर को। फिर उसके बाद कस्टमर ने बोला ठीक है ये तीन पेजेस तो ठीक है, जब सब कुछ सही सलामत हो गया तो नेक्स्ट इटरेशन को हम लोगों ने प्लान किया। नेक्स्ट इटरेशन में क्या हुआ, तीन के बाद फिर अगले तीन पेजेस का डेवलपमेंट हम लोगों ने शुरू किया, फिर से वही काम किया, हम लोगों ने रिक्वायरमेंट समझा, हम लोगों ने ऑपरेशन क्या क्या हमें कंप्लीट करना है, रिक्वायरमेंट को प्लान किया, प्लान करने के बाद फिर हम लोगों ने प्रोटोटाइप टू डिलीवर किया। प्रोटोटाइप टू डिलीवर करने का मतलब क्या है, अब हमारे पास छह पेजेस हो चुके हैं, छह पेजेस का हम लोगों ने ड्राफ्ट किया, वेरिफिकेशन वैलिडेशन हुआ मतलब हम लोगों ने टेस्टिंग कंप्लीट की, टेस्टिंग कंप्लीट करने के बाद फिर टेस्ट प्लान, फिर हम लोगों ने इसी तरह से मल्टीपल इटरेशंस हम घूम रहे हैं। अब सबसे आपके पास दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि तो ऐसा भी तो हो सकता है कि क्लाइंट का रिक्वायरमेंट कभी खत्म ही ना हो, सपोज हम लोगों ने एक पर्टिकुलर पार्ट डिलीवर करके दिया फिर उसने बोला नहीं मुझे ये भी इंप्रूवमेंट चाहिए, ऐसा हो सकता है। स्पाइरल मॉडल में ऐसा हो सकता है कि ये इटरेशन जो है इनफाइनाइट लूप में घूमता ही रह जाए, ये कभी खत्म ही ना हो, लेकिन इसका बेनिफिट भी है कि टाइम टू टाइम हम क्लाइंट को एक पर्टिकुलर पार्ट डिलीवर करते जा रहे हैं, एक प्रोटोटाइप डिलीवर किया, दूसरा ट्रिपोर्ट प्रोटोटाइप डिलीवर किया, तीसरा करेंगे, चौथा करेंगे, किसी तरीके से करते करते सपोज ये इटरेशन इनफाइनाइट लूप में नहीं गया, दो तीन इटरेशन के बाद ही क्लाइंट का काम कंप्लीट हो गया, क्लाइंट ने कहा कि हाँ ये जो पर्टिकुलर वर्किंग सॉफ्टवेयर है ये हम यूज कर सकते हैं, इसका मतलब क्या था वो एक ऑपरेशनल प्रोटोटाइप हो गया। उस समय क्लाइंट उस पर्टिकुलर कस्टमर क्लाइंट या हमारा बिजनेस उस पर्टिकुलर प्रोटोटाइप को मतलब उस पर्टिकुलर टूल को उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को यूज करना शुरू कर लेगा, तब हम क्या करेंगे ये उसका डिटेल डिजाइन हो गया, कोडिंग हो गया, इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो गई, अदर टेस्टिंग हो गई, इंप्लीमेंटेशन हो गया, प्रोडक्ट को हम लोगों ने रिलीज कर दिया। तो आप लोगों ने क्या देखा, इसमें मेनली चार फेजेस होते हैं, पहला फेज स्कोप डिटरमाइन करते हैं, दूसरे फेज में हम रिस्क एनालिसिस करते हैं, थर्ड में डेवलपमेंट एंड टेस्ट करते हैं, फोर्थ में इटरेशन प्लानिंग करते हैं। इटरेशन प्लानिंग कब करते हैं, जब हमारा एक एक करके प्रोटोटाइप डिलीवर होता चला जाता है, तो एक प्रोटोटाइप डिलीवर किया उसको हमने कहा एक इटरेशन कंप्लीट हुआ तो हम यहाँ पर दूसरे इटरेशन की प्लानिंग करेंगे, फिर दूसरा प्रोटोटाइप बिल्ड किया तो तीसरे इटरेशन की प्लानिंग करेंगे। कब तक चलता रहेगा इटरेशन प्लानिंग, जब तक हमारा जो प्रोटोटाइप है वो ऑपरेशनल प्रोटोटाइप नहीं हो जाता, मतलब हमने जो डिलीवर किया है क्लाइंट को हाँ ये ऑपरेशनल है ये ऐसा हो सकता है, उसके बाद हम लोग डिटेल डिजाइन करेंगे, उस पर उस पर्टिकुलर प्रोटोटाइप पे हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे, इंटीग्रेशन डिफरेंट एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेशन टेस्टिंग इंप्लीमेंटेशन और रिलीज। तो इसमें सबसे बड़ा फैक्टर आपने देखा रिस्क एनालिसिस, यहाँ तो मैंने लिख के रखा रिसर्च, ये सब तो हम लोगों ने पहले भी अदर मॉडल्स में भी डिस्कस किया है, डिटरमाइन स्कोप को डिटरमाइन करना, डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग करना, इटरेशन प्लानिंग इसलिए यहाँ पर ऐड है क्योंकि हम इटरेशन में काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फैक्टर रिस्क एनालिसिस प्रोटोटाइप मॉडल में इसका सबसे बेनिफिशियल पार्ट है। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग विद द डेवलपमेंट, अब देखो हम लोगों ने यहाँ से एक इटरेशन स्टार्ट किया, हर एक इटरेशन में हम रिस्क एनालिसिस कर रहे हैं। स्पाइरल मॉडल एग्जिस्टेंस में इसलिए ही आया क्योंकि हम जो पार्ट डिलीवर कर रहे हैं, हम जो प्रोटोटाइप क्लाइंट को दे रहे हैं उसका कुछ रिस्क है, उसमें कुछ कमी है, उसमें कुछ
ऐसी चीज है जो हमें कंप्लीट करना है उसका एनालिसिस हम कर सकें, उस एनालिसिस को हम रिस्क एनालिसिस करते हैं। मतलब अगर हम स्पाइरल मॉडल को यूज करते हैं तो हम रिस्क कवर कर सकते हैं। किस टाइप का रिस्क? सपोज हमने एक बार डिलीवर किया, क्लाइंट ने, बिजनेस ने, यूजर ने बोला नहीं इसमें ये कमी है, हम उसको नेक्स्ट इटरेशन में कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब हमने उस रिस्क को नेक्स्ट इटरेशन में कंप्लीट करने के लिए क्लाइंट को रेडी किया, ठीक है आप इस पार्ट को यूज करें, ये जो रिस्क है हम इसको नेक्स्ट इटरेशन में कंप्लीट कर देंगे, तो वो प्रोटोटाइप के साथ रिलीज जाएगा। सपोज प्रोटोटाइप वन में हमने डिलीवर किया, क्लाइंट ने बोला नहीं यहां तो ये कमी है, तो फिर हम क्या करेंगे, ठीक है उस सारी चीजों को हम प्रोटोटाइप टू में ऐड कर देंगे, सॉरी सेकंड इटरेशन में ऐड कर देंगे और प्रोटोटाइप के साथ डिलीवर करेंगे। तो इससे क्या बेनिफिट हुआ, हमें दोबारा से प्रोटोटाइप वन के फेज को कंप्लीट करने की जरूरत नहीं पड़ी, हम उस चीज को प्रोटोटाइप टू के साथ डिलीवर कर सकते हैं। इसलिए ये रिस्क एनालिसिस स्पाइरल मॉडल का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि जब हम इसको यूज कर रहे हैं तो हम रिस्क को कवर कर सकते हैं। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, इसका बेनिफिट ये है जो हमारे प्रोटोटाइप मॉडल था, प्रोटोटाइप मॉडल में क्या था कि जब तक प्रोटोटाइप क्लाइंट के थ्रू, बिजनेस के थ्रू, यूजर के थ्रू अप्रूव नहीं हो जा रहा तब तक हम एक्चुअल कोडिंग में ही नहीं जा पा रहे हैं। इससे क्या जनरेट हो रहा था कि क्लाइंट को, बिजनेस को, यूजर को ऐसा लग रहा था कि शायद मेरा काम कंप्लीट हो गया है, यहाँ एक्चुअल में हम काम कंप्लीट करते जा रहे हैं। तो डेफिनेटली जब हम कोई प्रोटोटाइप क्लाइंट को, कस्टमर को, यूजर को डिलीवर कर रहे हैं उस समय तक हमारा वो काम कंप्लीट हो चुका है और हम मल्टीपल इटरेशंस में काम कर रहे हैं। हमारे काम करने के साथ साथ यूजर को, कस्टमर को, क्लाइंट को एक वर्किंग मॉडल मिलता जा रहा है जिसे वो देख सकता है, वो प्रोडक्ट के साथ, वो सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्शन में रह सकता है कि हाँ मेरा इतना परसेंटेज ऑफ काम कंप्लीट हो चुका है। हम बड़े से बड़े प्रोजेक्ट को मल्टीपल इटरेशंस में डिवाइड करके काम कर सकते हैं, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। अगर कोई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, मैं बार बार बोला लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, उसके लिए ही स्पाइरल मॉडल काम में आएगा। अगर मेरा कोई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है उसको हम मल्टीपल इटरेशंस में डिवाइड करके इस मॉडल का यूज करते हुए उसको पार्ट बाय पार्ट कस्टमर को, क्लाइंट को, यूजर को डिलीवर कर सकते हैं। और सबसे बड़ा डिमेरिट, अब इसका भी तो कुछ डिमेरिट होगा जिसकी वजह से नेक्स्ट मॉडल एग्जिस्टेंस में आया, रैड मॉडल। तो इस मॉडल का सबसे बड़ा डिमेरिट आप यही समझ सकते हो कि ये जो इटरेशंस मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये इटरेशन इनफिनाइट लूप में जा सकता है, ये इनफिनाइट टाइम्स ऐसा ही घूमता रह सकता है, इटरेशन कभी कंप्लीट ही ना हो, ये सबसे बड़ा इसका डिमेरिट है। तो इस डिमेरिट की वजह से इसके बाद का एक मॉडल रैड मॉडल एग्जिस्टेंस में आया जिसको हम अपने नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को स्पाइरल मॉडल का क्लियर हुआ होगा। जैसे एक बार हम ओवरव्यू ले लेते हैं, हम लोगों ने क्या क्या यहाँ पे देखा। हम लोगों ने स्पाइरल मॉडल के चार डिफरेंट डिफरेंट फेजेस को डिस्कस किया, चार डिफरेंट फेजेस थे, स्कोप डिटरमिनेशन, रिस्क एनालिसिस, डेवलपमेंट एंड टेस्ट, इटरेशन प्लानिंग। इसमें हम बार बार एक एक करके हम प्रोटोटाइप डिलीवर करते हैं जो एक्चुअल प्रोडक्ट का ही कॉपी होता है, और जब वो प्रोटोटाइप हमारा ऑपरेशनल प्रोटोटाइप हो जाता है तब हम उसके डिटेल डिजाइन, कोडिंग, इंटीग्रेशन, टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन करके हम उसे रिलीज करते हैं। लेकिन ईच एंड एवरी प्रोटोटाइप के साथ हमारा प्रोडक्ट का एक पर्टिकुलर पार्ट भी कंप्लीट होता जा रहा है। इसके मदद से हम बड़े लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट को इजीली डेवलप कर सकते हैं मल्टीपल इटरेशंस में डिवाइड करके। तो हाँ, और एक मेन चीज मैंने यहाँ मेंशन भी कर रखा है, सो आप देख सकें, आप ट्यूटोरियल लाइक के डिफरेंट डिफरेंट सेशंस को, लेक्चर्स को मैं 360 या 480 पिक्सल्स रिकमेंडेड है कि आप 480 पिक्सल्स में ही देखें, और अगर आपके इंटरनेट की स्पीड कम है तो आप 360 पिक्सल से भी देख सकते हैं। सो आपको बोर्ड पूरा का पूरा क्लियर दिखे, उससे कम रिजोल्यूशन में आपको बोर्ड की क्लैरिटी बहुत अच्छी नहीं दिखेगी, आप बोर्ड पे लिखे हुए कंटेंट्स को नहीं पढ़ पाएंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम रैड मॉडल के साथ आएंगे। थैंक यू।